दोस्तों नमस्कार। पीयूष कुमार गोयल फिर आपके साथ एक नई सोच एक नए विचार के साथ। दोस्तों जिंदगी में दो ही चीज़ है, यस और नो, सीखना और जीतना, सफल और विफल। जिंदगी में अगर आप आए हैं तो सफल होने के लिए आए हैं। जिंदगी में अगर मैं एक सभा में बैठा हुआ था, वहां एक चीज सीखने को मिली, आदमी में और जानवर में क्या अंतर है। किसी से जवाब नहीं दिया गया, जिन्होंने क्वेश्चन किया था उन्होंने ही बाद में जवाब दिया कि इंसान अपनी योनि बनाने आया और जानवर अपनी योनि भुगतने आया है। तो दोस्तों हम पे इंसान है और इंसान है तो हमें सफल होना हर कोई चाहता है। कोई मेहनत करके सफल हो जाता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये बाई लक है कि आप छोटे से प्रयास से सफल हो जाए। और मेहनत तो दोस्तों है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रात भी है दिन भी है, सुख भी है दुख भी है, सीखना भी है जीतना भी है। और जब सीखेंगे तो जीतेंगे भी। और अगर जीतते नहीं हैं, किसी कारणवश आपकी जीतने में कहीं कुछ कमी रह गई है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो सीख जरूर लोगे। तो दोस्तों आज एक नई सोच के साथ मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सफल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पहुँचना है आपने। एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ फिर अचानक आपको एकदम 90 एंगल पर मुड़ना पड़ा, तो दूरी होगी आपकी 7। लेकिन अगर यहाँ तक ऐसे पहुँच गए 5। एक दूसरे ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ, ये दूरी 4 है, ये 3 है, ये 4 किलोमीटर चले, 4 मीटर, 4 चले या 3 चले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 90 के पे एकदम अचानक जाना पड़ा, कॉन्स्टेंट है, अचानक घबड़ धबड़ होगी, एकदम चढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों रास्ता यही है, यहाँ खड़े हैं आप। अब आप करेंगे, अब कहेंगे कि यार ये और ये, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ आपको 4 चलना पड़ा, यहाँ 3 चलना पड़ा। तो दोस्तों ये वाला रास्ता बढ़िया है, क्योंकि बेस मजबूत है, ऊंचाई भी कम है और जाना ऐसे है। दोस्तों इसके लिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ आपकी सफलता है, ठीक है ना दोस्तों। अब स्टार्ट आपने कर लिया, सक्सेस आपने होना है, तो ये चीज़ भरनी पड़ेगी। आप स्टार्ट कर रहे हैं, कितने स्मार्ट आप हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट हैं और स्टार्ट बढ़िया तरह से करते हैं तो सक्सेस में आप होने से कोई रोक नहीं सकता। सक्सेस खेल ही इसका है, खेल ही इसका है, क्योंकि स्मार्ट कितने हैं, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। और दोस्तों अगर देख रहे हैं ना आप, स्टार्ट में आर्ट है और स्मार्ट में आर्ट है, ये जो दो आर्ट है ना, ये कला ही आपको यहाँ तक पहुँचाती है, ठीक है। ये आसान हो गया तरीका, 4 और 3 जाना आपने ऐसे है, अचानक ऐसे जाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो एकदम ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ आपने चीज़ें भरनी है, वो क्या चीज़ें आपने भरनी है, आपकी टीम। कहते ना टुगेदर एवरी वन अचीव मोर, आपके अंदर 4 चीज़ें, आपकी 4 क्वालिटी आपके साथ होनी चाहिए। 4 क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, आप ट्रैंक्विल, ठीक है ना, आपके अंदर एंड्योरेंस होना चाहिए, आपके अंदर एम्बिशन होना चाहिए, और आप कितने मैच्योर हैं ये होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। आपके टारगेट होने चाहिए, आपकी ये टीम होगी, टीम काम करती है भाई, टारगेट हो गया, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने टारगेट आपने कर लिए, टीम आपकी होगी, आपने यहाँ पे आपके ड्रीम क्या क्या हैं, ड्रीम भी तो पूरे होंगे, जब सफल होंगे तो आपके ड्रीम भी पूरे होंगे। और ड्रीम के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, रीज़न होना चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए, एम होना चाहिए, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कितने स्मार्ट तरीके से आप काम करते हैं,
ये चीज़ें यहाँ से लेके स्टार्ट से लेकर के आपकी सफलता के अंदर ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और दोस्तों, जिंदगी में यस और नो तो लगा देगा, हमेशा यस मिलने वाला नहीं है। नो नो अगर मिलता है तो आपको ये रास्ता अपनाना तो पड़ेगा, क्योंकि नो से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आपके दरवाजे खुले हुए हैं दूसरे, आप दूसरे रास्ता अपना करके आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक कहते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम है बेसिकली ये। आप 3 की जगह और भी दूरी हो सकती है, 4 की जगह कुछ और हो सकता है, 5 की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर इस फार्मूले को अपनाकर आप सफल होना चाहते हैं, तो दोस्तों एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको सफल करने में कितना कामयाब होता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई सोच के साथ। और धन्यवाद। आई लव माई इंडिया। थैंक यू वेरी मच।